हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा जो एनडीए सितंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है वो स्टेट सीरीज को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता है। और अपन लास्ट ईयर को इस साल से कंपेयर करें तो लगभग 250 से 300 गुना बच्चा हमारा इस बार ज्यादा सेलेक्ट हुआ है। जय हिंद। आप सभी का सीएससी के एनडीए में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले 29 साल से नहीं लीजिए सीएससी नीट और जेई में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। उसी तरीके से पिछले 3 साल से सीएससी एनडीए के लिए तैयारी करा रही है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा इस साल का अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट है, जिसमें 15 बच्चे एसएसबी के लिए, कुछ बच्चों का एसएसबी चल रहा है, कुछ की डेट्स हैं अभी। और इसमें मेन चीज ध्यान रखने का ये है कि इसमें सिर्फ जो टारगेट कोर्स का बच्चा है वही अच्छे से एग्जाम को दे पाता है, क्योंकि उसी का सिलेबस पूरा हो पाता है और अच्छे से रिवीजन कर पाता है। जबकि जो 12th क्लास का बच्चा है उसका रिजल्ट तब तक उसका जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाता है, वो उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स में भी बोर्ड एग्जाम में भी होता है उसका भी वो भी नहीं हो पाता है। इसीलिए उसका अब जो 1 सितंबर को जो सेकेंड फेज होता है एनडीए रिटर्न का वो होने जा रहा है, उसके लिए सीएससी अपनी एनडीए की टेस्ट सीरीज जो कि सिर्फ पहले से अपना हमारा जो क्लासरूम का बच्चा है वही दे पा रहा था, पर इस बार हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा जो एनडीए सितंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है वो टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन हमारे पोर्टल जो कि सीएलसी लाइव ऐप है उस पर जाके ज्वाइन कर सकता है। और कोई बच्चा जो सीकर के पास में रह रहा है वो सीएलसी के ऑफलाइन सेंटर पर आकर इस टेस्ट सीरीज को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ऑफलाइन सेंटर केवल और केवल सीएलसी केवल सीकर हमारे जो हेड ऑफिस है वहां पर है। जो ऑफलाइन बच्चा ज्वाइन करना चाहता है उसकी फीस 999 रुपए है और जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है उसकी फीस 199 रुपए है। इसमें सबसे मेन और जो यूनिक चीज टेस्ट इसकी वो है कि जो वीडियो सॉल्यूशन है टेस्ट का वो ठीक उसी दिन जिस दिन पेपर होगा उसी दिन शाम को ठीक 8 बजे पेपर का कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन हमारी कंप्लीट जो एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है उसके द्वारा सीएससी लाइव के ऐप पर अपलोड हो जाएगा। उससे बच्चे कोई क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं रहेगा तो क्योंकि वो खुद एनालिसिस कर सकता है और देख सकता है कि मैंने क्या गलती करी, किस तरह से मुझे सवाल को अप्रोच कर सकता था सही करने के लिए। और फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो कि हाउ टू रजिस्टर्ड योर ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह के लिए तो हमारे सीएलसी के हेल्पलाइन नंबर है 9358820434। आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, आपको कोई भी जो क्यूरी है दिमाग में उस टेस्ट सीरीज को लेकर वो आप इस नंबर पे अपनी सारी क्यूरी को मिटा सकते हैं। अब थोड़ा सा रिजल्ट की भी बात कर ली जाए सर, ये एनडीए विंग का हमारा रिजल्ट अप्रैल अटेम्प्ट था उसमें 15 बच्चे रिटर्न के लिए सेलेक्ट हुए थे। और एनडीए 2023 की बात करें तब अप्रैल अटेम्प्ट में 6 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और सितंबर में 10 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और अपन लास्ट ईयर को इस साल से कंपेयर करें तो लगभग 2.5 से 3 गुना बच्चा हमारा इस बार ज्यादा सेलेक्ट हुआ है अप्रैल अटेम्प्ट में। और सितंबर अटेम्प्ट में नो डाउट ये संख्या और ज्यादा बढ़कर आएगी। और जो हमारे नेवी एसएसआर का रिजल्ट है 7 बच्चों ने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया था 2023 में। तो आप देख सकते हैं कि जो सीएलसी का जो 29 साल की लेगेसी है एकेडमिक्स को लेकर रिजल्ट्स को लेकर वो सेम लेगेसी हम एनडीए में भी फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे पिछले 2 साल के रिजल्ट है आप इसमें देख सकते हैं। तो अब बच्चों के मन में दिमाग में रहेगा कि सब टेस्ट सीरीज का सिलेबस क्या रहेगा, कैसे एग्जाम होगा। तो बता दें जैसे सबको पता है कि एनडीए में 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हमने हर दोनों सेक्शन को 5-5 पार्ट टेस्ट में तोड़ा है ताकि बच्चे को अच्छा से टाइम मिल जाए रिविजन करने के लिए। और जो कि पहला टेस्ट है वो 1 अगस्त 2024 को होगा। और नीलेश जी आप कुछ बताना हो शेड्यूल को लेकर। जैसे कि आप सभी को सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे के माइंड में रहता है कि आपके टेस्ट सीरीज से हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे, तो आपने अप्रैल अटेम्प्ट भी दिया होगा या नहीं दिया हो तो भी मैं बताऊं कि भाई अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर जेई मेन से मैथ के क्वेश्चन सर 5 to 6 डीटो क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल तो आप सभी को पता है कि मैथ्स और जो फिजिक्स का सेक्शन है वो सीएलसी के एनडी विंग में जेई विंग की फैकल्टीज ही क्लासेस लेती हैं, तो नो डाउट वो पेपर बनाएंगी तो उनका माइंडसेट भी वैसा ही रहेगा, तो वो बच्चे को ज्यादा कवर करने में आसानी मिल जाती है और उसको उस लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि इसका एनालिसिस करने के लिए पार्ट टेस्ट इस तरीके से डिजाइन है जो टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं, दूसरी बात आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट आ रहा है जिससे कि आपको ये पता लग रहा है कि मेरा ओवरऑल रैंक क्या रहेगा। तो ये आपका 5 पार्ट टेस्ट रहेंगे, इनके बाद में सर हमने पूरा रिवीजन करने के बाद में 5 फुल सिलेबस टेस्ट आ गया और 30 अगस्त को लास्ट पेपर होगा। और फिर आपको एक दिन का रेस्ट मिलकर फिर आपका जो मेन एग्जाम है जिसके लिए अपन इतनी मेहनत करी अपना एनडी रिटर्न एग्जाम वो आएगा। अब बच्चों के दिमाग में कैसे पेपर का टाइमिंग क्या रहेगा, पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो फॉर्मेट तो वही जो एनडीए का NDA तो जो पार्ट टेस्ट रहेगा जैसे जिस दिन मैथ्स का पार्ट टेस्ट होगा तो उसमें वही 120 सवाल आपको 150 मिनट मिलेंगे और 300 नंबर मिलेंगे। इवन नेगेटिव मार्किंग भी जो एग्जाम में फॉलो होती है 0.83 की वही एग्जाम टाइमिंग रहेगी। और जो एग्जाम में आपका मेन टाइमिंग रहता है मैथ्स वाले सेक्शन का 10 से लेकर 12:30 तक उसी दिन आपका पेपर का टाइमिंग रहेगा जिस दिन आपका मैथ्स का पार्ट टेस्ट होगा।
फिर आपका आता है सेक्शन टू, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। सेम उसमें तीन जो सेक्शन डिवाइड करके 150 सवाल आएंगे, 150 मिनट मिलेंगे और 600 नंबर का पेपर आएगा और 1.33 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और इस पेपर का टाइमिंग रहेगा 2 से लेकर 4:30 बजे तक, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट होता है कि बायोलॉजी का क्लॉक आपकी अगर अकॉर्डिंग सेट हो जाए तो आपका फिर जब मेन एग्जाम आता है तब आपको अलग से प्रेशर नहीं रहता है वहाँ। तो नीलेश जी, आपको कुछ और बताना हो इस टेस्ट सीरीज के बारे में, या बच्चों के मन में कोई और सवाल हो, आपको लगे कि इसका अपने को जवाब नहीं दिया हो? मैं तो सर यही कहूंगा कि जल्द से जल्द ज्वाइन करो सीएलसी एनडीए की टेस्ट सीरीज और अपने रिजल्ट्स को और बेटर बनाओ। और किसी भी बच्चे के अगर कोई क्यूरीज रहती हैं तो सीएलसी की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉन्टेक्ट करो 9358820434। जय हिंद, जय सीएलसी।